देखिए भाई, आप जानते होंगे कुछ दिन पहले राजा मौलीस्तर के पिताजी ने बोल दिए थे मीडिया में, हो सकता है रामचरण एनटीआर की RR2 को राजा मौली ना बनाए बल्कि वो किसी और को हायर करेंगे मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। तो भाई फाइनली मीडिया में नाम सामने आ गई है उस डायरेक्टर की जो बनाएगा RR का सिक्वल। एक्चुअली में इस ग्लोबल ट्रॉटिंग फिल्म को राजा मौली सर अपने बेटे SS कार्तिकेय के हाथों ही डायरेक्ट करवाना चाहते हैं। आपको बता दो, भले ही कार्तिकेय राजा मौली सर के बेटे हैं बट इनको RR2 डायरेक्ट करने का मौका सिर्फ राजा मौली सर के नाम पर नहीं मिला है बल्कि इनके अंदर काबिलियत भी है RR जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने की। एक्चुअली में कार्तिकेय अपने पिताजी के साथ काफी सारे फिल्मों में बाहुबली के समय से ही एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किए हैं। सो मेरे ख्याल से RR2 को अच्छे से बना लेंगे कार्तिकेय, क्योंकि उन्होंने राजा मौली सर के फिल्म मेकिंग स्टाइल को बहुत करीब से देखे हैं जो शायद ही और कोई डायरेक्टर देखा होगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि RR2 के लिए SS कार्तिकेय अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं या नहीं। और हाँ, ये कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, वो अनाउंसमेंट जल्दी DBB प्रोडक्शन करेगा अगर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो। देखिए भाई, प्रोजेक्ट के वाले चालू हो गए हैं, वो अपने फिल्मों से अपडेट कॉमिक कॉन में नहीं बल्कि अभी से ही देना शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट के वाला लुक से किए हैं जो सच में काफी गजब का लग रहा है। बट अफसोस की बात यह है, इस बार भी प्रोजेक्ट के वाले दीपिका पादुकोण का फुल कैरेक्टर का लुक नहीं भेजे हैं, सिर्फ शक्ल का ही पोस्टर आया है और बाकी इनका पूरा कॉस्ट्यूम एक रति भी नहीं दिखाया गया उस पोस्टर में। खैर देखते हैं अमिताभ बच्चन जी और प्रभास सर का लुक कैसा होता है, वो भी आज या कल में आ जाएगा प्रोजेक्ट के से ही। तो जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी सलार रिलीज होने वाली है सिनेमा में 28 सितंबर को, लेकिन ये सलार फिल्म 28 को आएगी इंडिया में बट अमेरिका में हम्बल फिल्म सलार को 27 सितंबर को ही रिलीज करने वाला, वो भी इस लेवल तक की एक रिकॉर्ड ही बन चुका है आज। असल में भाई, हम्बल फिल्म दो कंपनी के साथ कोलाबरेशन कर लिया अमेरिका में रिलीज करने के लिए सलार को, और वो कंपनी है पार्थियन गिरा और मोक्षा। ये दोनों सलार को 27 सितंबर को ही USA के 1989 जगह में रिलीज करेंगे और ये कभी भी आज तक नहीं हुआ है इंडियन सिनेमा में। बाहुबली, पठान, KGF 2 जैसी फिल्म को भी इतने बड़े लेवल पर USA में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन ये सलार वाले कर रहे हैं। शायद ये सलार इंग्लिश में डब हो रही है, इसी कारण वहाँ इसको अमेरिका में ढेर सारी स्क्रीन मिल गई है रिलीज होने के लिए। तो देखते हैं भाई, अमेरिका से प्रभास सर के सलार का कितना टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। महेश बाबू के जंगल एडवेंचर से फिर से एक छोटी सी अपडेट सामने आ गई है। एक्चुअली में महेश बाबू की SSMA 29 फिल्म में NTR भैया का बड़ा बेटा और महेश बाबू की बेटी सितारा भी होने वाली है छोटे से रोल में जंगल एडवेंचर के अंदर। इनके बच्चे हमें फिल्म के शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, देवरा में भी अल्लू अर्जुन की बेटी जा रही है कैमियो करने। तो देखते हैं भाई, अब तेलुगु स्टार के बच्चे अब किस किस बड़ी पैन इंडिया फिल्म का हिस्सा बनते हैं। देखिए भाई, इस समय हिंदी के प्रोड्यूसर साजिद नादेवाल एकदम से पगला गए हैं। लगातार बड़ी बड़ी फिल्मों से अनाउंसमेंट इन्होंने बीते कुछ दिन में कर दिए हैं। सबसे पहले बागी 4, फिर सलमान खान की किक 2 फिल्म और अब हाउसफुल से भी अपडेट इन्होंने दे दिए हैं। इनका बोलना है, हम हाउसफुल 5 का शूटिंग इस साल दिसंबर महीना से चालू कर देंगे और फिल्म भी हम पक्का अगले साल दिवाली पर रिलीज करने वाले हैं। और साजिद भाई का ये भी बोलना है, हमारी हाउसफुल 5 में भी बहुत बड़ी कास्टिंग होगी हिंदी सिनेमा की। सो देखा जाए भाई, अगले साल कितनी कॉमेडी फिल्में हमें देखने को देते हैं बॉलीवुड। थालापति विजय सर की 68 फिल्म का ऑडियो टीस रिच कंपनी ने कितने में एग्जैक्ट खरीदा है, अब उसका डेटा सामने आ गई है। एक्चुअली भाई, एजेस वालों ने लियो से लगभग डबल प्राइस में थालापति 68 का ऑडियो राइट बेच दिए हैं, वो भी पूरे 30 करोड़ में। जी हाँ, मीडिया यही क्लेम कर रही है, 30 करोड़ में ऑडियो बिका है टी सीरीज को, जो सच में बड़ी बात है। शूटिंग चालू होने से 3 महीना पहले ही इतना रिकॉर्ड प्राइस में म्यूजिक बिका है टी 68 फिल्म का, और ये सब सिर्फ थालापति विजय सर के नाम पर हुआ है। दसरा हिट होने के बाद एक और नानी बड़ी पैन इंडिया फिल्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी अपने पुराने डायरेक्टर श्रीकांत ओढ़ला के साथ ही। फिर से ये दोनों कोलाबरेशन करेंगे किसी दसरा जैसी फिल्म के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नानी जल्दी अपनी नानी 31 का भी अनाउंसमेंट कर देंगे जनता में। देखिए भाई, रजनीकांत सर अब तक अपने जेलर फिल्म से 2 सॉन्ग रिलीज कर चुके हैं, लेकिन अब जल्दी वो अपना जेलर का ट्रेलर भी रिलीज करने वाले हैं।
एक्चुअली भाई जेलर का ऑडियो लॉन्च इवेंट 28 जुलाई को अरेंज किया जा रहा है और उसी लॉन्च इवेंट में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा। उम्मीद है अब कि जेलर से बाकी लैंग्वेज में भी मेकर्स कुछ रिलीज करें। पता नहीं क्यों तमिल मेकर्स बाकी लैंग्वेज में जल्दी कुछ रिलीज नहीं करते हैं, हर दम लेट ही हमें देखने को मिलती है उनकी तमिल फिल्म से हिंदी में कुछ भी। तो जैसे कि आप जानते हैं धनुष सर एक गैंगस्टर मूवी बना रहे हैं जो उनकी D50 फिल्म है और इसी फिल्म में उनके दो भाई होने वाले हैं जिसमें से एक भाई का कैरेक्टर SJ सूर्या प्ले करेंगे तो दूसरा भाई विष्णु विशाल प्ले करने वाले थे, लेकिन आज न जाने क्यों ये दूसरे भाई विष्णु विशाल धनुष सर के D50 से बाहर निकल गए हैं। पता नहीं क्या लफड़ा हुआ है दोनों के बीच, क्योंकि धनुष सर अपने D50 फिल्म का शूटिंग चालू कर दिए हैं और ये विष्णु विशाल 20 शूटिंग से भागे हैं फिल्म छोड़कर। खैर देखते हैं अब कौन सा एक्टर धनुष सर का भाई बनता है इस D50 गैंगस्टर मूवी में। अब चलिए भाई बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म से ही। देखिए भाई मिशन इम्पॉसिबल के लिए मंडे के दिन उतना अच्छा नहीं गया है बॉक्स ऑफिस पर, उन्होंने जहां संडे के दिन 17 करोड़ 30 लाख रुपए कलेक्शन किया था तो ही कल मंडे के दिन मिशन इम्पॉसिबल 7 ने 70% की गिरावट के साथ 5 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में और इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल का टोटल इंडिया में कलेक्शन अब तक 6 दिन में 68 करोड़ 50 लाख हो चुका है और पूरी दुनिया में टॉम क्रूज की फिल्म ने 6 दिन में नेट 2000 करोड़ कलेक्शन पार कर दिया है। जी हाँ भाई 6 दिन में टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 7 ने 2000 करोड़ कलेक्शन कर लिया बॉक्स ऑफिस पर। बाकी देखते हैं आने वाले कुछ दिन कैसा जाता है मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए इंडिया में। अब चलिए भाई मिशन इम्पॉसिबल के बाद सत्यम प्रेम कथा फिल्म पर भी आ जाते हैं। देखिए भाई सत्यम प्रेम के लिए भी मंडे के दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं गया है, मूवी ने जहां संडे को 2 करोड़ 30 लाख रुपए कलेक्शन किया था तो ही कल मंडे के दिन फिल्म ने सिर्फ 80 लाख रुपए कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में और इसी के साथ सत्यम प्रेम का इंडिया में टोटल कलेक्शन अब तक 18 दिन में 78 करोड़ 6 लाख हो चुका है और वर्सेस मिलाकर फिल्म ने 117 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा थालापति विजय सर का थ्योरी फिल्म का रीमेक तेलुगु में पवन कल्याण बना रहे उस्ताद भगत सिंह के नाम से जिसके डायरेक्टर हैं हरीश शंकर। एक्चुअली भाई मीडिया के अनुसार अब इस मूवी को पवन कल्याण हमेशा के लिए बंद करने का सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है उस्ताद भगत सिंह के शूटिंग के लिए, इन्हें पॉलिटिक्स भी करना है और इसलिए मूवी का शूटिंग सेट भी अब तोड़ा जा रहा है। सो दिखा जाए उस्ताद भगत सिंह सच में हमेशा के लिए बंद हो जाती है या फिर पोस्टपोन्ड हो जाती है 2-3 सालों के लिए। वैसे भाई इस फिल्म मैनिया की इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।